हेलो सलाम नमस्ते कैम सो दोस्तों आज हम कुछ अलग ही बात करने वाले हैं दोस्तों अभी भी नई न्यूज आई है कि विकास बहल जो कि डायरेक्टर थे क्वीन के बहुत ही दस साल हो गए इस मूवी को क्वीन के बाद उन्होंने सुपर थर्टी टी के लिए जो कि ऋतिक रोशन के साथ की थी वो दोनों सुपर डुपर हिट मूवी रही थी और तो अभी ये वर्ष मूवी गुजराती मूवी वर्ष है बहुत ही सुपर हिट रही थी इसके रिमेक कर रहे दोस्तों ये बहुत हमारे गुजरात के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार कोई गुजराती मूवी का रिमेक बॉलीवुड में होने जा रहा है दोस्तों मतलब ये सुन के मैं एज ए गुजराती बहुत थ्रिल हुआ हूँ कि नहीं यार अभी कुछ मजा आएगा मतलब शानदार डायरेक्टर है और उन्होंने कास्ट भी कौन सी लिए है बहुत ही बेहतरीन कास्ट ली है और अभी ये इसका शूटिंग है जब मुझे लगता है तब तक जून या जुलाई में शुरू होने वाला है मसूरी और वगैरह लोकेशन लेने वाला है उसके लीड एक्टर कौन है दोस्तों हितन कुमार का करने वाला आर माधवन बहुत ही शानदार और ये हितु कोनडा का जो कैरेक्टर है वो करने वाले अजय देवगौ बहुत ही शानदार कैरेक्टर है दोस्तों ये सुन के मुझे बहुत मजा आ गया कि जब भी रिमेक बनने वाली है बहुत ही बढ़िया रिमेक बनने वाली है कि इतने, इतने बढ़िया एक्टर्स है वो इसमें काम करेंगे और इतनी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है साइको थ्रिलर है आपको मतलब इतना एंगेज रखेगी आपका मतलब पूरा थ्रिल 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 हो जाएगा दोस्तों मैं बहुत खुश हुआ ये अजय देवगन ने बढ़िया कमा लिया है दोस्तों हर बार रिमेक करता है हिट ही रहती है उसकी रिलीज पचासी करोड़ कमा लिया दोस्तों उससे पहले जो दृश्यम टू आई थी उस भी से कमा लिया कार्तिक आय की का बिल्कुल नहीं चली और उससे पहले जो आई वो भी कुछ खास नहीं लगी तो लगता है कि ये अजय देवगन के हाथ में बारह सुमणी है दोस्तों जो भी कुछ मिलेगा उसको सुपर हिट कर देगा तो यस वर्ष की ये रिमेक है कैसी लगती है इंडियन ऑडियंस को तो पता नहीं आने के बाद ही पता चला गया मुझे लगता है कि सुपर डुपर हिट रहने वाली है दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है कितनी थ्रिल मूवी थी इसमें यह मूवी में एक हितेन कुमार जो गेस्ट का गेस्ट के तरीके आता है और वो लड़के पे पूरा वशीकरण कर, कर लेता है वो बोलेगा थप्पड़ मारो तो वो थप्पड़ मारेगी वो बोला कि चाकी भूखी खा लो तो वो चाकी भूखी खा लेगी मतलब बहुत ही बहुत ही शायद हाँ उसको थोड़ा हम डिस्टर्ब हो सकते हैं पर एज अ के लिए देखे तो थ्रिलर मूवी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मूवी है और बहुत ही बहुत ही सुपर हिट रही थी गुजरात में देखते हैं कि वर्ष की जब रिमेक पूरे इंडिया में रिलीज होती है तो इंडियन ऑडियंस को कैसी लगती है मेरा तो मानना है कि ये सुपर डुपर हिट रहने वाली है और पूरे इंडियन ऑडियंस को ये अच्छी लगने वाली है थैंक यू सो मच